गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम हमारे बीएड फर्स्ट ईयर पेडागॉजी ऑफ पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीति विज्ञान शिक्षण शास्त्र में जो हमारा टॉपिक चल रहा था इकाई योजना, उसको आज हम कंटिन्यू करेंगे। कि इकाई योजना को हमने जाना था कि जब हम दैनिक पाठ योजना को इकाइयों में विभाजित करके उसको यूनिट में डिसाइड करके डिवाइड करके उसके एक यूनिट प्लान बनाते हैं वो हमारी इकाई योजना होती है। वार्षिक योजना दैनिक पाठ योजना के बीच की कड़ी है जो इसको क्रियान्वित करती है। तो अब हम इसको कंटिन्यू करते हैं इस टॉपिक को, इकाई योजना के तत्व को जानेंगे कि शिक्षण इकाई के कौन कौन से तत्व हैं। शिक्षण इकाई के तत्व, शिक्षण इकाई के तत्वों की बात करते हुए हम इसके तत्वों को जानते हैं कि हमको क्या क्या ध्यान रखना है। सबसे पहला लक्ष्य, ठीक है। इकाई योजना का निर्धारण करते हुए इसके लक्ष्य इस तरह से हो कि वह बच्चों के उद्देश्यों की पूर्ति करे, तो हमको इस लक्ष्य का ध्यान रखते हुए इकाई योजना का निर्माण करना चाहिए, ठीक है। हम इसके लक्ष्य के अंतर्गत बच्चों की रुचियों का ध्यान रखेंगे, उनके उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए ये लक्ष्य निर्धारित करेंगे। तो इसके अंतर्गत हमको हम ये समझना होगा कि हम बच्चों के लक्ष्य को समझते हुए उसकी इकाई योजना को निर्मित करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। सेकेंड है पूर्व ज्ञान। शिक्षण इकाई के दूसरे तत्वों में हमको पूर्व ज्ञान का भी ध्यान रखना है, ठीक है। पूर्व ज्ञान हम समझ सकते हैं कि जब हम बच्चों को विषय वस्तु पर लेके आते हैं तो विषय वस्तु पर लाने से पूर्व जो हम उसको प्रश्न पूछते हैं उससे हम ये जानने का प्रयास करते हैं कि बच्चा पहले उस पर कितनी नॉलेज रखता है या उसके पास कितना ज्ञान है, तब जाकर हम उसको वर्तमान ज्ञान से जोड़ते हैं। तो इसके दूसरे सोपान में हम ये भी ध्यान रखेंगे कि पूर्व ज्ञान की व्यवस्था हो, उस प्रश्नों की व्यवस्था हो जो बच्चों के पूर्व नॉलेज से रिलेटेड हो। तो इसमें अध्यापक और प्रश्नों का निर्धारण करेगा और बच्चों से प्रश्न पूछने के लिए कुछ प्रश्नों को निर्मित करेगा। तीसरा है नवीन अनुभवों का प्रस्तुतिकरण, नवीन अनुभवों का प्रस्तुतिकरण। तीसरे स्टेप में हम देखेंगे कि अध्यापक बच्चों तक जो नवीन अनुभव है, जो ज्ञान है, उसको प्रस्तुतिकरण करेगा, उसको प्रेजेंट करेगा। बच्चों का सहयोग लेते हुए अध्यापक अपने ज्ञान या विषय वस्तु को बच्चों तक प्रस्तुत करने का काम करेगा। तो इस तीसरे स्टेप में जो भी नॉलेज है, जो भी ज्ञान है, जो कंटेंट है, वो बच्चों तक किस तरीके से पहुंचाना, बच्चों का सहयोग किस तरीके से रहना, इस बात पर ध्यान रखते हुए नवीन अनुभवों को प्रस्तुतिकरण करने का प्रयास करेगा। चौथा है प्रेरणा, मोटिवेशन, ठीक है ना। प्रेरणा बहुत ही जरूरी है। इस स्टेप में ये ध्यान रखा जाना चाहिए कि बच्चों को समय समय पर पढ़ाते समय उनको प्रेरणा देना, उनका सहयोग लेना, यानी कि उनकी इंटरेस्ट को जानना, उनकी रुचि को जानना, उस रुचि और इंटरेस्ट को जानते हुए अध्यापन करना चाहिए और उसको प्रेरणा देते रहना चाहिए कि प्रेरणा के माध्यम से जो ज्ञान वो ले रहा है, जो ज्ञान वो समझ रहा है, वो उसके जीवन में व्यवहारिक हो, उसको अपने अंदर आत्मसात कर ले। क्योंकि बिना प्रेरणा के हम देख सकते हैं कि कोई भी ज्ञान कोई नॉलेज हम नहीं लेंगे जब तक हमको प्रेरणा नहीं मिलेगी। तो इस प्रेरणा को समझना, इस प्रेरणा को जानना बहुत ही जरूरी है। अगला है संक्षिप्त विवरण। इस स्टेप में हम देखेंगे कि जो भी विषय वस्तु है उसका संक्षिप्त विवरण होना जरूरी है, उस पाठ्य पुस्तक का संक्षिप्त में उसका मेंशन करना जरूरी है। तो संक्षिप्त विवरण के माध्यम से विषय वस्तु को एक बच्चा उसको समझ ले कि इसमें है क्या है, उसके अकॉर्डिंग उसमें संक्षिप्त विवरण दिया जाना चाहिए। अगला है अभ्यास तथा पुनरावृत्ति।
इस बात को भी शो करना कि जो विषय वस्तु बच्चों को पढ़ाई जा रही है, जो कंटेंट, उसके बाद उसके संदर्भ में उसके अभ्यास और रिवीजन से रिलेटेड पुनरावृत्ति प्रश्न होने चाहिए, ठीक है। क्योंकि ये से इस अभ्यास और पुनरावृत्ति से ही बात का ध्यान रहता है कि हमने जो चीज बात जानी, जो चीज समझी, वो हमने कितना उसको समझ पाए। तो अभ्यास पुनरावृत्ति से उसको एक बार रिविजन करने का मौका मिल जाता है। अगला है व्यवस्था और अंतिम में है मूल्यांकन। व्यवस्था और मूल्यांकन, ठीक है। व्यवस्था के अंदर शिक्षण इकाई में बच्चों द्वारा सीखी हुई ज्ञान और अनुभव की उचित व्यवस्था होनी चाहिए, उसको मैनेज करते हुए चलना चाहिए, और मूल्यांकन अंत में उसके अंदर इवैल्यूएशन मूल्यांकन की व्यवस्था होनी चाहिए। तो इस तरीके से शिक्षण इकाई के तत्वों में लक्ष्य, पूर्व ज्ञान, नवीन अनुभवों का प्रस्तुतिकरण, प्रेरणा, संक्षिप्त विवरण, अभ्यास का पुनरावृत्ति व्यवस्था और मूल्यांकन को शामिल किया गया है। अब इसको कंटिन्यू करते हुए इकाई पद्धति के आधारभूत सिद्धांतों को समझ लेते हैं। इकाई पद्धति के इकाई पद्धति के आधारभूत सिद्धांत कौन कौन से, उसको हम समझ लेते हैं। सबसे पहला इकाई का सिद्धांत, गैस्टाल्टवादी जो मनोवैज्ञानिक है, इन्होंने इकाई का पूर्ण रूप से सिद्धांत प्रतिपादित किया है, ठीक है। इन्होंने इस बात पर फोकस किया है कि इकाई को यूनिट में डिवाइड करना, खंडों में विभक्त करना, तो मनोवैज्ञानिक गैस्टाल्टवादी ने इन्होंने इस पक्ष पर बल दिया है, ठीक है। दूसरा है छात्रों की प्रधानता सिद्धांत। तीसरा है रुचि एवं उद्देश्यों का सिद्धांत। अगला है गतिशीलता सिद्धांत। व्यक्तिकरण सिद्धांत और अगला है संघन का सिद्धांत, ठीक है। तो ये है इसके जो सिद्धांत बताए गए हैं इकाई पद्धति के आधारभूत सिद्धांत। जैसे इकाई का सिद्धांत गैस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक ने दिया है, उसके बाद छात्रों की प्रधानता का सिद्धांत, छात्रों की प्रधानता, ठीक है, बच्चों को फोकस करके उनकी प्रधानता, उनको इंपॉर्टेंस देकर इसमें इकाई योजना का निर्मित करना चाहिए। फिर रुचि और उद्देश्य का सिद्धांत, बिना रुचि उद्देश्य के हम कोई भी कार्य पूर्ण नहीं करेंगे, यानी कि इस कंटेंट में या यूनिट प्लान बनाते हुए बच्चों के इंटरेस्ट और उनके उद्देश्य को निर्धारित करना जाना बहुत ही जरूरी है, ताकि भाई बाल केंद्रित जो पद्धति है उसको हम लागू कर सके। फिर गतिशीलता का सिद्धांत, ठीक है, गतिशीलता के सिद्धांत के अंतर्गत समस्त इकाइयां जो क्या वो एक तरह से गतिशील होनी चाहिए, और इस गतिशील अवस्था में हम ये देखेंगे कि बच्चे इस गतिशीलता में जो कंटेंट है, जो विषय वस्तु हो, उसको आसानी से और रुचिपूर्ण तरीके से सीख सके और गति अपने जीवन में सीखे हुए कंटेंट को अपने जीवन में गति प्रदान कर सके। यानी कि विषय वस्तु गतिशील रहेगा तो बच्चों को आत्मसात और सीखने में काफी एक हद तक सफलता मिलेगी और उसको सहायता मिलेगी, ठीक है। अभिव्यक्तिकरण का सिद्धांत, अभिव्यक्तिकरण यानी कि व्यक्त करने की प्रवृत्ति, अपने बातों को बोलने की प्रवृत्ति, यानी कि अभिव्यक्तिकरण के सिद्धांत की भी इसमें प्रधानता होनी
चलिए, और संगठन कंटेंट को संगठन करते हुए मैनेज करते हुए चलना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है। इसके अंतर्गत हम देखेंगे सहायक सामग्री का उचित रूप से समावयित विषय वस्तु को संगठित करके चलना, सहायक सामग्री होगी, प्रश्न होंगे, मूल्यांकन होंगे, तो संगठन करते हुए चलना है। तो इस तरीके से हमने जाना इकाई पद्धति में इकाई के सिद्धांत, छात्रों को प्रधानता का सिद्धांत, रुचि उद्देश्य का सिद्धांत, गतिशीलता अभिव्यक्तिकरण का सिद्धांत और संगठन का सिद्धांत शामिल किया गया है। तो ये कुछ बातें थी इकाई योजना के संदर्भ में, जिसमें हमने जाना कि इकाई योजना के तत्व और उसके आधारभूत सिद्धांत कौन कौन से हैं। अब इससे रिलेटेड आज का आपका असाइनमेंट है, इकाई योजना के तत्व एवं आधारभूत सिद्धांतों को बताइए। तो इकाई योजना के जो तत्व हमने जाना, उन तत्वों को स्पष्ट करते हुए इनके आधारभूत सिद्धांत कौन कौन से, इसके बारे में आपको अपना असाइनमेंट अरेंजमेंट इस कोविड समय में सिचुएशन को समझते हुए हमको सावधानी बरतनी है, अनावश्यक घरों से बाहर नहीं निकलना है, अगर निकलते हैं ऊपर मास्क का प्रयोग करेंगे और सरकारी नियमों का पालन करें, इसी सावधानी सतर्कता से बीमारी से दूर बचे हुए रह सकते। थैंक यू।